बच्चे के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीजें हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कि आप अपने बच्चों की हाइट 6 फीट तक कर सकते हैं, चाहे आप उनके पेरेंट्स की हाइट कितनी भी कम हो। नारी घर की डॉक्टर, दवा बने आहार और किचन बने डिस्पेंसरी, तो स्वस्थ बने परिवार। पर आज विडंबना देखिए, नारी ही रोगी हुई, जहर बना आहार, किचन भ्रष्ट ऐसा हुआ, रोगी पूरा परिवार। जब भी किसी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसका शारीरिक विकास रुक जाता है, उसका जो ओज है, तेज है, उसकी क्रांति है, वो सब कुछ धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और 99% बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहती है। सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे हमारे अंदर आ जाती है बस एक कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से, और उसके पीछे 2 रीजन है, फाइबर फूड कम खाना और लेक ऑफ एक्सरसाइज, बॉडी की हमारी जो मूवमेंट है उसका कम होना। अगर हमारा एक्सरसाइज होना पूरा शुरू हो जाए, हमारा पसीना निकलना शुरू हो जाए और हमारे पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो हर बच्चा 6 फीट का हो सकता है। इतना बड़ा सच लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कॉन्स्टिपेशन के कारण से हाइट नहीं बढ़ रही। कोई दुनिया का केमिकल, कोई दुनिया का प्रोडक्ट बच्चों की हाइट नहीं बढ़ा सकता, कोई उनका शारीरिक विकास नहीं कर सकता। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आजकल माताएं बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अपने बच्चों को लेकर के, उनके बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, उनके बच्चों की हेल्थ नहीं ठीक है, इस चीज को लेके वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं। मतलब कि बच्चों का जो संपूर्ण विकास है वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, और इसके लिए कुछ हद तक माताएं खुद भी जिम्मेदार हैं, मगर फिर भी वो चाहती हैं कि हम अपने बच्चे का विकास किस तरीके से करें। तो आज हम इसी विषय पे बातचीत करेंगे। तो आप हमें ये बताइए कि बच्चे के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीजें हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वंदना जी, माता पिता की हाइट कितनी भी कम हो, आज मैं आपको इस बात का खुलासा करने जा रही हूँ कि आप अपने बच्चों की हाइट 6 फीट तक कर सकते हैं, चाहे आप उनके पेरेंट्स की हाइट कितनी भी कम हो। ये पेरेंट्स के हाथ में होता है पूरी तरह से बच्चे की हाइट, बच्चे का विकास करना, बच्चे के बौद्धिक स्तर का विकास करना। आजकल हमारे पास कितने पेरेंट्स आते हैं जो शिकायत करते हैं कि बच्चे तो खाना नहीं खाते हैं, या बाहर का फास्ट फूड खाने की जिद करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सुबह जल्दी उठते नहीं हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो पेरेंट्स ही होते हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का ही हाथ होता है जिसमें बच्चों का विकास ना होना या ओबेसिटी होना। आजकल दो ही कंडीशन आ रही है, या तो बच्चे बहुत ज्यादा दुबले पतले हो चुके हैं या ओबेसिटी का शिकार है, उनको पता ही नहीं चल रहा कि ओवर ईटिंग वो करने लग गए हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है बच्चों को पता ही नहीं है, और पेरेंट्स उसके बारे में देते भी नहीं, या शायद पेरेंट्स को भी नहीं पता कि एक बैलेंस डाइट बच्चे के लिए क्या होनी चाहिए। हमारे यहाँ बड़ी अच्छी कहावत हुआ करती थी कि समत्वम योगम उच्यते, ये जो समता है, ये जो बैलेंस बनाना है, ये कैसे परिवार के अंदर बनाना है, ये हमारी माताओं को ज्ञान हुआ करता था। नारी घर की डॉक्टर, दवा बने आहार और किचन बने डिस्पेंसरी, तो स्वस्थ बने परिवार। पर आज विडंबना देखिए, नारी ही रोगी हुई, जहर बना आहार, किचन भ्रष्ट ऐसा हुआ, रोगी पूरा परिवार। हमारा जो फैमिली है उसकी डॉक्टर थी लेडीज हमारे घर की, पता होता था कि बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए क्या जरूरी है। अभी आजकल मैं बहुत देख रही हूँ बच्चों को स्कूल में टिफिन में ब्रेड लेके जा रहे हैं, जैम, सॉस, अचार, पापड़, बच्चे भूल ही गए हैं स्प्राउट्स खाना, फल सब्जियां सलाद लेना और एक्सरसाइज करना उनके रूटीन से गायब हो चुका है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बच्चे का ऐसा रूटीन शेड्यूल पैक्ड है कि उसके पास टाइम नहीं है स्प्राउट्स को चबा चबा के बैठ के खाने के लिए, थोड़ा जॉगिंग करने के लिए, लटकने के लिए, आसन प्राणायाम करने के लिए। बच्चा जब तक 1-2 घंटे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, उसका शारीरिक विकास कभी हो नहीं सकता। सबसे जरूरी है बच्चों में कॉन्स्टिपेशन ना हो। जब भी किसी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसका शारीरिक विकास रुक जाता है, उसका जो ओज है, तेज है, उसकी क्रांति है,
वो सब कुछ धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और 99% बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा फाइबर खाते, घी की सब्जी घर में बनती है, बच्चा खाना छोड़ देता है, बच्चा खाना पसंद ही नहीं करता है। तोरी बनी है, बच्चा खाना पसंद नहीं करता है। और अभी तो एक नया रोग हो गया है कि बाहर से ऑर्डर कर लिया जाता है, घर में बैठे बैठे फोन मिला दिया और बाहर से मैकडोनल्ड से पिज्जा और ये वो बहुत दुनिया भर का खाना घर में पहुंच जाता है। ये जो हमारा नया कल्चर है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। कहीं ना कहीं हमारी जो थर्ड जनरेशन है उसको पूरी तरह से ये खत्म करता जा रहा है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक उनका विकास हो नहीं पा रहा है। हमारा एक मोटो है, हमारा एक मिशन चला हुआ है, नस्ल बदलो अभियान। इस नस्ल बदलो अभियान में हमने 13 साल से 30 साल के हर बच्चे के लिए 7 दिन का योग प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स अनिवार्य किया है कि 7 दिन अपने बच्चों को एज ए ट्रेनिंग समझ के इसको करवाइए। रोग आने से पहले प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हमारा योग दर्शन भी कहता है ध्येयम दुखम अनागतम, आने से पहले दुखों को रोको। बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसके बाद हम लोग अलर्ट होते हैं। हमारा काम, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि बचपन में बच्चों को एक शिक्षा दें, एक हेल्थ एजुकेशन दें कि ये इतनी सीवियर प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है कॉन्स्टिपेशन के चलते। अगर आपको कब्ज रहेगा तो सिर में दर्द, माइग्रेन बनेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, सुस्ती आएगी, बॉडी का विकास नहीं हो पाएगा, आपकी हाइट हेल्थ अच्छी नहीं हो पाएगी, आपका मेमोरी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, आपका IQ लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे हमारे अंदर आ जाती है बस एक कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से। और उसके पीछे 2 रीजन है, फाइबर फूड कम खाना और लेक ऑफ एक्सरसाइज, बॉडी की हमारी जो मूवमेंट है उसका कम होना। ये दोनों चीजें अगर हमारी पूरी हो जाए, अगर हमारा एक्सरसाइज होना पूरा शुरू हो जाए, हमारा पसीना निकलना शुरू हो जाए और हमारे पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो हर बच्चा 6 फिट का हो सकता है। उसमें उनकी डाइट क्या है इसके बारे में आपको पूरा का पूरा एक शेड्यूल बता रही हूँ कि क्या उनका सुबह से शाम तक का शेड्यूल होना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले बच्चे को पानी पिलाएं और पानी के अंदर आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, जो कुछ भी आपके घर में वो अल्कलाइन चीजें वो उसके अंदर डाल करके उनको दें। पेट साफ होगी जरूर कन्फर्म करें। मैं देखती हूँ बच्चा सुबह उठ करके बिना पानी पिए, बिना फ्रेश हुए स्कूल चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीजें है। बच्चों को पता ही नहीं है सुबह उठ करके मोशन जाना, वो कई बार स्कूल से आकर के मोशन जाते हैं और पेरेंट्स भी बड़े खुश होकर के कहते हैं कि जी हमारे बच्चे तो स्कूल से आकर के जाते, सुबह तो टाइम ही नहीं होता, सबसे पहले उठते ही ब्रश मुंह में डालते हैं। वो ब्रश करना उनके लिए जरूरी नहीं है, ये सुबह उठते ही बासे मुंह जो ब्रश किया जाता है दैट इज वेरी हार्मफुल सिचुएशन। सुबह उठते ही बासे मुंह पानी पीना चाहिए कि सुबह की जो लार है वो आपके पेट के अंदर जाए और वो एल्कलाइन वाटर जो हो जाता है, लार जिसके साथ अंदर जाती है, वो आपके पेट को साफ करती है। ये हम ज्ञान देंगे सुबह उठते ही आपको ब्रश नहीं डालना है, पानी डालना है पेट के अंदर। बच्चों को, छोटे बच्चों को आप घर में सिखाइए पानी भी बैठ करके पीना है उपरुकाग आसन में। बच्चे नीचे बैठना भूल गए कि नीचे कैसे बैठते हैं। स्टैंडिंग सारी टॉयलेट हमारे घरों में बननी शुरू हो गई, तो कम से कम बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए हम पहले एक टॉयलेट बनाया करते थे स्टैंडिंग, कि चलो बुजुर्ग लोग हैं घर में, बड़े लोग हैं वो चले जाएं। लेकिन आजकल बच्चे लोग भी स्टैंडिंग वाली इंग्लिश टॉयलेट के ऊपर टॉयलेट जा रहे हैं। ये उनका भविष्य चौपट कर रहा है, ये उनके घुटने खराब कर रहा है, ये उनका पेट परमानेंट कॉन्स्टिपेटेड कर रहा है। हमेशा के लिए बच्चे कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाएंगे जो बच्चे नीचे बैठ करके इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक आपकी पिंडलियां नहीं दबेंगी, आपकी काफ मसल्स नहीं दबेगी, आपका पेट साफ नहीं होगा, और पेट साफ नहीं होगा तो बच्चों की हाइट नहीं बढ़ेगी। इतना बड़ा सच लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कॉन्स्टिपेशन के कारण से हाइट नहीं बढ़ रही। और मैं देखती हूँ ऐड करने वाले कंपनियां जो अपना सामान बेचना चाहती हैं, इतना लुभावना उनका विज्ञापन होता है कि ये फूड खा लो, ये हमारा प्रोडक्ट यूज कर लो, बच्चों की हाइट 6 फिट हो जाएगी। कोई दुनिया का केमिकल, कोई दुनिया का प्रोडक्ट बच्चों की हाइट नहीं बढ़ा सकता, कोई उनका शारीरिक विकास नहीं कर सकता। बच्चों को डोले शोले बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, जिम जाने के लिए तरह तरह के प्रोटीन शेक, तरह तरह के फूड सप्लीमेंट मार्केट के अंदर अवेलेबल है। दे आर यूजलेस, पूरी तरह से उनका कोई यूज नहीं है। सब कुछ आपके घर के अंदर अवेलेबल है। और जो मेन हमारा टारगेट है वो है आपका मेटाबॉलिज्म।
जितना स्ट्रांग होगा बच्चे का, इम्यूनिटी पावर जितनी अच्छी होगी, उतना बच्चे की हाइट, हेल्थ, आईक्यू, मेमोरी सब कुछ शार्प होता चला जाएगा। इसके बाद सुबह नाश्ते में बच्चों को सब्जियों का जूस, पेठे का जूस, घी का जूस, ड्राई फ्रूट्स का शेक घर में बना करके दें, रात को सोक कर दें। अभी गर्मियां आ चुकी हैं थोड़ी थोड़ी, तो रात को सौंफ, काली मिर्च, इलायची, खसखस, गुलाब के फूल इसके अंदर डालें, मगज, और रात को सोक कर दें पानी में, उसमें 5-6 किशमिश ये सब कुछ डाल करके भिगो दें, और सुबह इसको पानी के साथ ही मिक्सी में डाल करके पीस लें, बारीक पेस्ट बना लें, उसके अंदर पानी डाल के ठंडाई बना लें। अगर गाय का दूध अवेलेबल प्योर है आपके पास तो गाय का दूध लें, और सुबह उन बच्चों को ये ठंडाई पिलाएं, या फिर फलों के सब्जियों के जूस दें, जो भी बच्चे इजीली पीना चाहें। सुबह ऐसा खाना हो जो आपके हाथ का बना हुआ हो, किसी भी तरह का डिब्बा बंद, पैक्ड फूड, केन का, प्रिजर्वेटिव वाला फूड बच्चों को सुबह नाश्ते में बिल्कुल ना दें। उसके बाद अब बारी आती है हमारे लंच की, कि बच्चों को लंच में क्या दिया जाए। सबसे बढ़िया चीज मैं बताती हूँ, अंकुरित अन्न तैयार करें घर में, चना, मूंग, मूंगफली और उसके अंदर सोयाबीन ऐड कर दें, तो पूरी तरह से प्रोटीन शेक की कभी जिंदगी में जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, इतना बढ़िया मल्टी विटामिन इसके अंदर है, एक एक दाना आपका प्रोटीन का, विटामिन का भंडार है। बच्चों को स्प्राउट्स के अंदर टमाटर, खीरा, धनिया डाल करके तरह तरह की चटनियां बना करके उनको दे, स्प्राउट्स और सैलेड। रोटी भी बहुत ज्यादा बच्चों को ना दें, ज्यादा रोटी देने से बच्चों की हाइट हेल्थ रुक जाती है। बच्चा सुबह पराठा खा रहा है, दोपहर में रोटी खा रहा है, शाम को रोटी खा रहा है, रोटी के अलावा उसको कुछ नहीं दिया जा रहा। कई बार ब्रेड होता है तो ब्रेड के पीछे पड़े हुए होते हैं कि सुबह ब्रेड खा रहा है, दोपहर में फिर अन्न खा रहा है, फिर शाम को अन्न खा रहा है। तो अन्न की क्वांटिटी जितना उनके फूड में कम होगी, और स्प्राउट्स हो गया, मोटा अनाज हो गया, इनकी क्वांटिटी जितना ज्यादा फ्रूट्स है, सैलेड है होगी, तो बच्चे की हाइट अच्छी होगी, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म साफ रहेगा, क्लीन रहेगा, और जैसे जैसे पेट साफ होना शुरू हो जाएगा बच्चों की हाइट हेल्थ बननी शुरू हो जाएगी। लंच में हो अमृतान, बहुत अच्छा है, मोटा अनाज, मोटे अनाज की मिलेट्स की खिचड़ी दे, मिलेट्स की आप इडली बना सकते हैं, मोटे अनाजों में रागी है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, और चावल और गेहूं का प्रयोग जितना हो सके बच्चों को कम करने दिया जाए, क्योंकि इसके अंदर फाइबर कम होता है। 3-4 बजे लस्सी है, दही है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं अगर आपके पास दूध शुद्ध है। मैंने बार बार ये बात बोलती हूँ कि अगर दूध शुद्ध मिल रहा तभी लें, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि हमारे यहाँ पे दूध अच्छा नहीं मिलता है, तो आप नारियल का दूध, सोयाबीन का दूध, बादाम का दूध बच्चों को पिलाएं, किसी भी तरह का केमिकल वाले दूध से परहेज करें। 3-4 बजे जब बच्चे स्कूल से लौट करके आए, तो इन्हें एक बड़ी प्लेट भर करके फ्रूट्स की दें, कि वो फ्रूट्स जरूर खाएं एक बार। शाम को भोजन में दलिया, खिचड़ी, मोटे अनाज की, या फलाहार, रसाहार, और अगर शेक भी बनाना है तो चीकू डाल करके, आम डाल करके उनको दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी उनको फल जरूर दें। कोई भी पका हुआ भोजन दे रहे हैं, उससे पहले फलाहार, रसाहार जरूर कराएं। एक कहावत मैं अक्सर बोलती हूँ, पहले कच्चा खा जाए फिर माल उड़ाए सारे। सबसे पहले एक प्लेट भर के फ्रूट्स की या सैलेड की फिनिश करें बच्चे, उसके बाद फिर पका हुआ भोजन खाएंगे, तो उनका पेट ठीक रहेगा, बशर्ते बच्चे, बच्चों की हाइट हेल्थ ठीक होने के पीछे उनका पेट का सिस्टम, जिसका सिस्टम ठीक है उसका पूरी बॉडी ठीक है। मैं वंदना जी अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं आपको, तो मेरे माँ और पिताजी दोनों की ही हाइट इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरी हाइट 5'8" है, और मेरी बेटी की हाइट 6 फिट है, अभी वो 16 साल की है, और 16 साल की उम्र में उसकी हाइट 6 फिट की है। तो इसके पीछे रीजन कहीं ना कहीं यही है कि बच्चे अपना रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, और उनको सुबह नाश्ते में मैं ड्राई फ्रूट्स देती हूँ, मोस्टली नारियल की गिरी या छुआरा, बादाम, किशमिश, केला, वो रेगुलर ये स्कूल खा करके जाते हैं। तो जब हम बच्चों को जीवित खाना देंगे तो बच्चे जीवित रहेंगे, और जब हम सुबह उठते ही उनको ब्रेड, बिस्किट, जैम, सॉस, अचार, पापड़ ये सब पकड़ा देंगे, तो बच्चे कहाँ से जिंदा रहेंगे, वो भी धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएगा। आजकल इतनी ऐड देख रही हूँ मैं, बच्चों के बाल, बच्चों के चश्मे नहीं चढ़ाने हटाने के लिए ये खा लो, बच्चों का विकास नहीं हो रहा है, लड़कियां हैं तो उनको ब्रेस्ट का विकास नहीं हो रहा है, पीरियड्स नॉर्मल हो रहा है, वो किसी तरह से नॉर्मल नहीं हो रहा है, बॉडी का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, लड़कियों को दाढ़ी मूछ आनी शुरू हो गई है,
लड़के कॉलेज में उनको दाढ़ी मूछ अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं। तो ये जो सारी प्रॉब्लम बच्चों का अविकसित शरीर, अविकसित बौद्धिक स्तर, इसके पीछे कारण है हमारा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक श्रम भी नहीं हो पा रहा है उतना, और खाना तो हमारा पूरी तरह से भ्रष्ट घरों में हो ही चुका है। तो जब तक ये पूरा सुधार नहीं होगा, कोई शॉर्टकट ऐसा नहीं है, कोई अल्लाह दीन का चिराग ऐसा नहीं है जिसे हमने रखा और बच्चों की हाइट लंबी हो जाए, बच्चे सुंदर दिखने लग जाए, हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो जाए, उसके लिए पेरेंट्स को मेहनत करनी पड़ेगी। और ये काम जब बच्चा जन्म से माँ के पेट में आता है तब से शुरुआत होनी चाहिए। ये जो माँ खा रही है उससे बच्चे का विकास हो रहा है। अभी प्रेगनेंसी के टाइम पे हम देखते हैं कि लेडीज का जो मन करता है वो खाना शुरू कर देती हैं। इधर से पानी पूरी है, छोले भटूरे हैं, गोलगप्पे हैं, अक्सर घरों में ये मैंने प्रथा देखी है कि प्रेगनेंट लेडी का जो मन करे उसको खाने दिया जाए, लेकिन ये सिस्टम ठीक नहीं है। मर्जी खाने, मैंने देखा है लेडीज का कैल्शियम की कमी होने की वजह से कुछ ऐसे गलत चीजें खाने का भी मन करता है और वो जाकर के बच्चों के अंदर बहुत बुरा इफेक्ट डालती हैं। तो कोशिश ये करें कि जब बच्चा माँ के पेट में है तभी से उनके अंदर जन्मजात विकलांगता, जन्मजात बीमारियां शुरू ना हो। 2 साल के बच्चे को डायबिटीज टाइप 1 की शुरुआत जो हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन यही है कि माँ के पेट में जन्म होते ही पीलिया हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, बहुत तेजी से बीमारियां ऐसी आ रही है जो माँ के पेट से ही आ रही है। थायराइड माँ को था तो बच्चे के अंदर कन्वर्ट हो गया, बीपी की प्रॉब्लम, पैनक्रियाज की खराबी की दिक्कत, सारी की सारी। अभी आजकल तो कहते हैं जी तो हमारे पेरेंट्स को था, हेरिडिटिकली था इसलिए बच्चों को हो गया। मैं बीमारियां ये मानती हूँ कि बच्चे के अंदर माँ से पिता से आती है, लेकिन अगर हमारी किचन ठीक है तो ये हेरिडिटिकली वाली बीमारियों को भी आप ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए माँ को बहुत ज्यादा तीखा खाने की आदत थी, बच्चा पैदा हुआ और बच्चे ने भी बहुत ज्यादा तीखा खाया, बहुत ज्यादा तेज मिर्च मसाला खाने की आदत उसको भी पड़ गई, तो वही बीमारियां जो माँ को थी, थायराइड थी, गर्म ठंडा ज्यादा खाने से, तेज स्ट्रॉन्ग केमिकल वाला खाना खाने से, अब बच्चे के अंदर आ गई वही आदतें, बच्चे को भी वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए अपनी किचन को सुधार कर लीजिए। माँ बाप जो गलतियां कर चुके हैं बच्चों को उस तरह का खाना ना दें। बच्चों को 80% रॉ के ऊपर रखें, उनको अभी से आदत डालें छोटे बच्चों को कि कम से कम 80% ना सही, चलो बच्चे हैं अभी, 50% तो एटलीस्ट उनके खाने में कच्चा भोजन होना चाहिए और 1 घंटे या 2 घंटे का मैक्सिमम मिनिमम उनके पूरे दिन भर की दिनचर्या में शारीरिक श्रम, फिजिकल जो आपकी मेहनत है वो होनी चाहिए, उसके बिना वो फिट नहीं रहेंगे। और ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग बच्चों को बचपन में थोड़ा थोड़ा जरूर करवाएं, 5 बादाम की गिरी है, 5 मुनक्का है या अंजीर है, किशमिश है, ये सब उनके डाइट में शामिल होना चाहिए। जितने भी ऊंचे लगने वाले फल होते हैं जैसे कि नारियल की गिरी है, खजूर है, छुआरा है, जो आकाश तत्व जिनके अंदर ज्यादा होता है वो लंबाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि लंबे पेड़ों वाले, जैसे अभी लौकी लंबी होती है तो वो हमारी हाइट भी इंक्रीज करती है। घी का जूस जो बच्चा पिएगा, घी की सब्जी खाएगा, उसकी हाइट लंबी होगी। आलू गोल मटोल होता है और गोल मटोल आलू खाने के बाद तो बच्चे फिर गोल मटोल ही हो रहे हैं आजकल, साइड से भी फैलते जा रहे हैं और हाइट भी नहीं बढ़ पा रही है। आंखों पे चश्मे तो आजकल मैं देख रही हूँ, 2-2 साल के बच्चे, 2 साल तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, मुझे तो एकदम से आजकल मैंने देखा 6-6 महीने के बच्चों को आंखों पे चश्मे बड़े बड़े लगे गए हैं। आंख मोटी होती जा रही है, नाक का छेद छोटा होता जा रहा है, नाक पूरे सभी बच्चों की बंद है। एक नाक कटा था तो लंका कांड हो गया था, किसका हुआ था सबको पता है, शूर्पणखा का। लेकिन आजकल जिसे देखो बच्चे को साइनस था, नाक कटवा के आ गए, घर घर में नक कटे बैठे हुए हैं। और जिसे देखो बच्चों के ऑपरेशन शुरू करवा रखे हैं आजकल, तो छोटे छोटे बच्चों को ऑपरेशन करवा देते हैं, जरा सी गांठ कहीं पे हुई तुरंत कटवा के आ गए, जरा सा कहीं पे नाक बंद हुई, अभी टॉन्सिल हो जाते हैं बच्चों को, अक्सर नॉर्मल बात है कि टॉन्सिल होना, लेकिन उनके भी ऑपरेशन करवा दिए जाते हैं, थायराइड का ऑपरेशन, टॉन्सिल का ऑपरेशन, ब्लैडर का ऑपरेशन और अपेंडिक्स का ऑपरेशन बच्चों में करवाया जा रहा है। अभी तो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जिसे हम कहते में शुरू हो रही है वो आजकल बच्चों को होनी शुरू हो गई। ये बहुत बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है आज के टाइम में। और आज ये जो एपिसोड हमारा देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, मैं यही कहूंगी कि आपका पैसा कमाना, आपका बच्चों को एजुकेशन देना,
आपका जितना भी अचीवमेंट है वो सब कुछ फेल है अगर आपके बच्चे बीमार हैं। और बच्चों के स्वास्थ्य करने के लिए आपको खुद को बीड़ा उठाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते बच्चा मानता नहीं है, बच्चा आपका है और वो यही कहेगा कि तेरी उंगली पकड़कर सीखा है चलना, तेरी ही गोद में पले हैं हम, तू मत कह हमें बुरा दुनिया, तूने ढाला है और ढले हैं हम। इसलिए शिकायत करना बंद करें कि बच्चे कहना नहीं मानते। बच्चे पैदा आपने किए हैं, या तो आप बच्चे पैदा करना बंद कर दें। और इतना जो लोड पूरे इस संसार के ऊपर आ रहा है, जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आज उन माताओं को मैं यही फटकार लगाने आई हूँ, या तो बच्चे पैदा करना बंद करें, और बच्चे पैदा करें तो उनके स्वास्थ्य की, उनके मानसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी वो खुद लें कि हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी रहेंगे। आजकल मैं देखती हूँ बच्चा पढ़ नहीं रहा तो उठा के उसको हॉस्टल में डाल दिया जाता है कि चलो वहां पर। जब आप घर में दो माता दादा दादी मिलकर के दो बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, नहीं समझा रहे हैं, वहां हॉस्टल में वो कैसे 1000-2000 बच्चों को पालेंगे, कैसे उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेंगे। अब पहले ईश्वर वैदिक जी हैं कुरुक्षेत्र से, हमारे जानने वाले हैं, बहुत अच्छे, बहुत विद्वान हैं। उन्होंने अपनी बेटी को पतंजलि गुरुकुल के अंदर किया हुआ था, चश्मा चढ़ गया कुछ दिन बाद वहां पे। पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट बच्ची है लेकिन चश्मा लग गया। जब पूछा गया तो बोले जी ना तो खाने पीने का कोई टाइम टेबल है और बच्चे बस भागम भाग रहता है, एक चीज छोड़ी दूसरा करना शुरू दूसरा। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई के ऊपर ध्यान पूरा फोकस करते हैं तो बच्चों की हेल्थ इग्नोर हो रही है, बच्चों के ऊपर पूरा फोकस किया नहीं जाता है वहां। बच्चे ब्रेड खा रहे हैं, तीखा खाना खा रहे हैं, हॉस्टल के अंदर मोस्टली खाने की प्रॉब्लम तो हर जगह हो रही है। और शिकायत सबको है कि बच्चों की हेल्थ हो सकते वीक हो रही है, तरह तरह की बीमारियां उनके अंदर पैदा हो रही हैं। जननी जने तो भक्त जन, याद आता या वीर नहीं बांझ रहे काहे गवाहे नूर। तो ये सारी की विडंबनाएं हमें देखनी होगी कि हम अपने घर के बच्चों को संभाल लें। सेव थर्ड जनरेशन, हमारे दादा दादी ने नाना नानी ने जो परेशानियां भुगती उन्हें हम भी भुगत रहे हैं और आने वाली जनरेशन भी भुगतेगी। ये जो आप बैंक बैलेंस तैयार कर रहे हैं, ये जो आप कोठी बंगले तैयार कर रहे हैं, ये उनके काम नहीं आएंगे अगर उनकी हेल्थ ही पूरी तरह से वीक हो जाएगी। बच्चों की हाइट अच्छी हो, बच्चों का आईक्यू लेवल अच्छा होगा, विचार अच्छे हो। विचार भी आजकल नेगेटिव होते जा रहे हैं, बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं हॉस्टल कोटा के अंदर, रात दिन वहां से खबरें आती रहती हैं। बच्चों को जब तैयारी करवाने के लिए भेजा जाता है तो सुसाइड कर लेते हैं। बच्चे को फिजिकल प्रॉब्लम है, ऊपर से मानसिक इतना ज्यादा प्रेशर दिया जाता है पढ़ाई करने के लिए कि आपको डॉक्टर बनना ही है। एक अच्छा बनाने के ऊपर ध्यान दें कि आपको एक स्वस्थ व्यक्ति जो स्वस्थ है फिजिकली मेंटली, वो जीवन में कभी ऐसा नहीं है कि असफल हो सकता है, वो हमेशा कामयाब होगा। इसलिए कभी भी उसको डॉक्टर इंजीनियर वकील आईएएस आईपीएस बनाने पे प्रेशर ना दें। आप उसे एक अच्छा इंसान बनाए, एक काबिल इंसान बनाए, उसकी बॉडी की फिजिकल फिटनेस अच्छी हो, उसके अंदर किसी भी तरह के नकारात्मक विचार ना हो, बचपन से ये ध्यान रखा जाए, उनकी पूरी दिनचर्या के ऊपर ध्यान दिया जाए। इसके लिए माता पिता ही जिम्मेदार हो, किसी दूसरे के ऊपर हम ब्लेम ना करें कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है। तो आज छोटी सी चर्चा हमने की है, इस पे अगर ध्यान देंगे तो उनके बच्चे बेहतर बने, आगे आने वाले भविष्य को हम अच्छा बना सकेंगे। डॉक्टर विजाता, योग आसन प्राणायाम का कितना रोल होता है बच्चों की हाइट और हेल्थ बढ़ाने में? वंदना जी, आसन प्राणायाम का बहुत अच्छा रोल है इसके अंदर। मैं तो ये कहती हूँ कि जो बच्चे आसन प्राणायाम नहीं करेंगे, एक तो बॉडी के अंदर अकड़न आएगी उनको, और जब स्टिफनेस आनी शुरू होती है यहाँ भी हमारी धीरे धीरे वीक रह जाती है। तो अगर बच्चों को स्ट्रांग बनाना है तो आसन प्राणायाम उनको बचपन से आदत डालें। और किसी और भी स्पोर्ट बच्चे जा रहे हैं, मान लो बैडमिंटन खेल है, कुश्ती है, पहलवानी करना है, बहुत सारे गेम है हमारे पास, तो जो बच्चों को अच्छा लगे, एक तो आसन प्राणायाम तो है ही बहुत अच्छा, वो तो उनकी फिजिकल फिटनेस को कई गुना ज्यादा बढ़ा ही देगा, लेकिन इसके अलावा भी अगर वो किसी और गेम में उनका इंटरेस्ट है तो उसमें भी उनको जाने दें, और एक आध घंटे के लिए उनकी फिजिकल मेहनत होनी चाहिए उसके अंदर। आसन प्राणायाम करने से उनका जो थायराइड है ये एक्टिवेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाता है, और जिस बच्चे का थायराइड और पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे वो बच्चा 6 फीट का अपने आप हो जाएगा। इसलिए सर्वांग आसन, शीर्षासन, कटी चालन, ताड़ आसन, चक्र आसन,
इनका अभ्यास बच्चा प्रतिदिन करे, कपाल भाती, अनुलोम विलोम करने से बच्चे का आईक्यू लेवल अच्छा होता है, मानसिक स्तर अच्छा होता है, उसकी याददाश्त बढ़ती है, मेमोरी शार्प होती है। आसन प्राणायाम इतने ज्यादा बेनिफिट की योगी जी ने तुम्हें योग को कंपलसरी कर दिया गया अब स्कूलों में कि हर स्कूल के अंदर कंपलसरी होगा। अपने हरियाणा में भी लागू की जा रही है कि हर स्कूल के अंदर योग को कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि स्कूलों में सिर्फ फॉर्मेलिटी की जाती है कि चलो एक पीरियड, हफ्ते में एक पीरियड अगर योग का लग रहा है तो उससे चेंज नहीं होगा। ये तो आपको घर में ही माहौल बनाना पड़ेगा कि सुबह या शाम बच्चे को बिठा करके आप 1 घंटे आसन प्राणायाम करवाएं। तो प्राणायाम करने से तो बच्चे के जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां अच्छे से अपने स्रावों का सिक्रीशन करती हैं, और जो हमारा हार्मोन्स है यही सारा खेल हार्मोन्स का ही है। बचपन से अगर बच्चों को हम आसन प्राणायाम में पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं, अच्छी कहानियां सुनाते हैं, बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव और हैप्पी हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, और ये हैप्पी हार्मोन्स बच्चे की स्ट्रेंथ को, बच्चे की कैपेसिटी को, उसकी कैपेबिलिटी को ज्यादा बढ़ा देते हैं। हम ये भी सुनते हैं कि बच्चों को अगर दही में चूना डाल करके दिया जाए तो उससे भी उनकी हाइट बढ़ती है। कैल्शियम बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, वरना जी किसी ना किसी फॉर्म में बच्चों को कैल्शियम जरूर देना चाहिए, चाहे वो केले के रूप में हो, चाहे वो चूना के रूप में हो। और कैल्शियम के और भी बहुत सारे स्रोत हैं, मैं तो नारियल को बहुत अच्छा, गिरी जो नहीं होती है बहुत अच्छा है, एक गिरी प्रतिदिन बच्चा जरूर खाए। और बहुत सारे स्रोत हमारे कैल्शियम के, तो मोरिंगा है, मोरिंगा के आप पराठे बनाए, रोटी बना करके बच्चों को दें, और जितने भी हरी सब्जियां हैं बच्चे को हेल्प करती है हाइट बढ़ाने में। चूना तो एक छोटा सा प्रयोग है अलग से कि किसी के अंदर डेफिशिएंसी है, अदरवाइज एज ए फूड हम कैल्शियम अच्छा ले सकते हैं। अगर हम गिरी दे रहे हैं, छुआरा दे रहे हैं, बादाम के अंदर कैल्शियम है, तो ये सारी चीजें बच्चों को एज ए फूड दें, खाने के रूप में दें, किसी तरह का हमें सप्लीमेंट देने की जरूरत ना पड़े। आजकल सप्लीमेंट का मांग इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा गैंग बन चुका है, जैसे पहले हम अभी खिलाफत करते थे कि एलोपैथी गैंग पूरा का पूरा फ्रॉड हो चुका है, एक माफिया बन चुका है, अब यह बन रहा है ये जितना भी सप्लीमेंट वाला ये सप्लीमेंट। मुझे कोई ये बताए कि नीम की गोली ज्यादा अच्छी है या नीम के पत्ते चबाना ज्यादा बेहतर है, वरना जी क्या जवाब होगा आपका? नीम की गोली खाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा या नीम खाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? नीम के पत्ते ज्यादा असरदार होंगे क्योंकि वो तुरंत असर दिखाएंगे, वो ताजा फॉर्म में है, उसमें 100% एक्सट्रैक्ट है उसका। लेकिन अभी क्या कह रहे हैं, ऑरेंज खाने की बजाय विटामिन सी की गोलियां खाइए, विटामिन सी की, आयरन की क्यों खाई जाए जब आप डायरेक्ट उसको आप ऐसे ही खा सकते हैं? पालक के पत्ते जब आप खाते हो तो आपको आयरन पूरा, आयरन आपको आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी, एनीमिया नहीं होगा। लेकिन अभी आयरन की टैबलेट खाने पे पूरा फोकस किया, ख्याल से तो पालक ज्यादा सस्ता है आयरन की गोलियों से, तो पालक तो बच्चे नहीं खा रहे हैं, उनको गोलियां खिलाया जा रहा है। विटामिन सी में संतरे नहीं खाएंगे, आंवला नहीं खाएंगे और उसकी गोलियां खिलाई जाती है। जिस चीज को हम सुखा के ड्राई करके एक्सट्रैक्ट निकाल दे रहे हैं उसके अंदर कितना बचाव हुआ है, ये आप खुद भी समझे। मैं पूरा प्रेशर इस बात को कि कभी चीज का सप्लीमेंट ना लें, उसको ताजा फॉर्म में इस्तेमाल करें। आप आंवला बच्चों को खिलाएं, चटनी बनाएं, बनाएं अचार बनाएं, कुछ भी बना के बच्चों को खिलाएं। लेकिन यह है कि आपको विटामिन सी की उनको गोलियां खिलानी पड़ रही हैं, आयरन कैल्शियम की गोलियां खिलानी पड़ रही हैं। कैल्शियम के बारे में आपको एक बात बताती हूँ, जो चूना वाली बात आपने बताई कि हमें प्रतिदिन कैल्शियम है वो चने के दाने के बराबर जरूरत पड़ती है, जो बताते हैं तो वो चने के दाने के बराबर लेना होता है। लेकिन जो कैल्शियम की गोलियां डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कि बच्चों को खिलाइए, वो इतनी बड़ी टैबलेट होती है, उसमें 10 चने के दाने का कैल्शियम होता है और उसी चूने से ही वो कहता है। अगर आपने एक टैबलेट खा ली तो वो जाकर के अंदर डिपोजिट हो जाएगा, वो बॉडी के अंदर नहीं होगा। चूना तो आपने इतना सा खाया था चने के दाने के बराबर, लेकिन जो कैल्शियम की गोली होती है वो बहुत बड़ी होती है। और मोस्टली जो ये अभी स्टोन बनने की प्रॉब्लम है ये इसीलिए हो रही है कि हम कैल्शियम की गोलियां खाते हैं, वो अंदर जाके डिपोजिट और फिर वहां पे स्टोन बन जाता है। इसलिए अगर आप स्टोन से बचना चाहते हैं तो कैल्शियम कभी भी ना खाएं, आयरन की गोलियां कभी भी ना खाएं, क्योंकि अंदर जाकर के डिपोजिट होंगी और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। फिर आपको गॉल ब्लैडर रिमूव करवाना पड़ेगा,
होगा। अभी तो आजकल पेनक्रियास के अंदर स्टोन होने लग गया, मुझे तो कुछ दिन पहले एक बच्चा मेरे पास आया, वो पेनक्रियास में स्टंट डला हुआ था, पेनक्रियास में स्टोन थे और डॉक्टर ने स्टंट डाल दिया पेनक्रियास के अंदर, सीवियर पेन था, डॉक्टर बंद नहीं कर पा रहे थे उसके पेन को, वो यहाँ पे बच्चा रहा 7 दिन और 7 दिन में उसका पेट का दर्द पूरी तरह से गायब हो चुका था, उसके चेहरे पे एक अलग से रौनक आ गई थी, एक छोटी बच्ची थी उसके गले में आवाज नहीं थी, रात को मुंह के नाक बंद हो जाती थी उसकी, आंखें खुली की खुली रहती थी सोते टाइम, इतनी मेजर प्रॉब्लम हमारे यहाँ बच्चे आते हैं उनको, और 7 दिन 15 दिन में वो इतना खुश हो जाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम ठीक हो गई, हमारा पेट ठीक हो गया, हमारा पूरा सिस्टम ठीक। तो कहीं ना कहीं आजकल हर सब चीजों से सफर कर रहा है, और मेरी रिक्वेस्ट से यही है कि अपने बच्चे के साथ साथ हेल्थ एजुकेशन जरूर है। 7 दिन का कोर्स किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर में, मैं नहीं कहती कि मेरे पास ही आओ, क्योंकि आपको जो बच्चा आएगा वो जीवन में कभी मिलेगा नहीं। मैं यही कहती हूँ कि उत्तम शिक्षा के 3 आधार, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सदाचार, और उत्तम हमारा जो एजुकेशन है वो अच्छी है, उसके लिए हम कहते हैं कि अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आपके पास रोजगार अच्छा है और आप सदाचारी हैं तो आप स्वर्ग में हैं। और महान 3 आधार, बीमारी, बेरोजगारी, दुराचार, अगर बच्चा बीमार है, अगर बेरोजगार और दुराचारी है तो आपके पास साक्षात दर्शन हो रहे हैं, आपको कहीं जरूरत नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ एजुकेशन जरूर दें, क्योंकि ये आज के टाइम ट्रीटमेंट है, आगे आने वाले टाइम में रोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है और रागी तरह है इसके बहुत ज्यादा, जितने ज्यादा हॉस्पिटल नर्स उतने ज्यादा डॉक्टर, लेकिन ये अनकंट्रोल हो चुकी है, इनके ऊपर किसी भी तरह से कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका है। हर माता पिता की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इन्हें बच्चों की जिम्मेदारी लेनी है और उसके लिए उनको एक बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए, भैंस पालने की ट्रेनिंग, मुर्गा पालने की ट्रेनिंग, हर चीज की ट्रेनिंग होती है, लेकिन बच्चे पालने की ट्रेनिंग कहीं कोई नहीं दे रहा, कोई स्कूल, कोई कॉलेज नहीं। तो अब हमने इसका मुहिम, इसका एक बीड़ा उठाया है कि हम इसकी ट्रेनिंग दे, कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय सोहना के अंदर ये ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, बच्चों को 7 दिन के लिए हम यहाँ रखते हैं और उनको योग प्राकृतिक चिकित्सा का पूरा कोर्स करवाते हैं, और ये बताए कि इन फ्यूचर उनको कैसे लाइफ जीनी है, और अच्छे से रिजल्ट भी आ रहे हैं। मैं तो देखती हूँ यहाँ बच्चों बड़े होकर के जा रहे हैं, बड़े जैसे फॉलो नहीं करते जितने बच्चे फॉलो करते हैं, क्योंकि कच्ची मिट्टी होते हैं, उनको जैसा हम सिखाते हैं वो बहुत जल्दी से मोल्ड हो जाते हैं, कोई किसी तरह का क्वेश्चन नहीं होता उनके दिमाग में। एक दिन मैंने उनको बता दिया कि खाना कितना ज्यादा हार्मफुल है, जो इसके अंदर नमक है, जो इसके अंदर तेल जिसमें ये फ्राई किया जा रहा है, जो इसमें आलू है, ये सबसे थर्ड का है, और जब ये तीनों कॉम्बिनेशन मिलते हैं, नमक, व्हाइट सॉल्ट, आलू ऊपर से तला हुआ, तो ये कैंसर का रीजन है पूरा का पूरा। अभी हम बच्चों को बड़े खुश होकर के फ्रेंच फ्राइज घरों में बना रहे हैं आजकल, तो कहेंगे जी घर में बनाया हमने तो फ्रेश है, ये कितना भी फ्रेश बनाओगे आलू को जब तलो उसके अंदर कैंसरस सेल कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसके ऊपर से नमक और उसको भी लगा के खा रहे हैं सॉस के अंदर, तीनों चारों चीजें मिलकर के धीमा जहर है। अभी मैं कितने नाम लूं इस तरह से, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, समोसा हो गया, समोसा तो चलो फिर भी अपना फिर कम है, लेकिन ये जो फ्रेंच फ्राइज और मोमोज, इतना फास्ट फूड जो चला है, कोल्ड ड्रिंक बच्चे बड़े शौक से, तो ये पूरे जहर है, इसको हम बिल्कुल बैन करें। चिप्स खाना बच्चों के लिए बिल्कुल बैन करें कि किसी भी तरह से एक भी पैकेट कभी बच्चा चिप्स ना खाए, क्योंकि उसके अंदर है ही कुछ नहीं, फूड वैल्यू ही उसकी जीरो है, उसको खाने से बच्चों को कैंसर हो रहा है। कई बार कहते हैं जी इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे गई, हमने तो कभी ऐसी चीजें खिलाई नहीं, वो पता ही चलता है आपको कि 5-5 रुपए की पुड़िया बच्चे लेकर सस्ती आती है, और वो जो सस्ती आती है वो इसीलिए सस्ती आती है कि उसके अंदर फूड वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, वो जो कॉस्टिंग है ना 5-10 रुपए, वो पैक आपको खाना दिया जा रहा है, अदरवाइज वैल्यू कुछ भी नहीं होती है। आलू है सबसे सस्ता जो मंडल, और उसको भी सबसे घटिया तेल फ्राई किया जाता है, और उसको अंकल चिप्स बना के लेस बना करके कितना महंगा बेचा जाता है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनाई हुई है, लेकिन खाने में पूरी सेहत की बैंड बजी हुई है इसको। तो पेरेंट्स इसको जब बात को समझ जाएंगे कि पूरा का पूरा फ्रॉड है, चारों तरफ जो हमारे प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं, बड़ा उसको हाईलाइट किया जा रहा है टीवी के ऊपर, हाइट बढ़ाने के लिए कॉम्प्लान, बॉर्नविटा, और ये ले जाओ हाइट के लिए, मेहनत
नहीं करना चाहते, सबको चाहिए शॉर्टकट। आज की पीढ़ी ऐसी पीढ़ी है जो फोन पे देख करके ही सेहत बना रही है, फोन को देख करके ही सोच रही है अपने बड़े बड़े सपने, सोफे पे बैठ करके देख लेते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते। मैं खुद योग में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, नेशनल इंटरनेशनल, तो मुझे पता है अपने सपनों को पूरा के लिए आपको रात दिन एक करना पड़ता है, सुबह शाम खूब पसीना बहाना पड़ता है, लेकिन वो समय नहीं है, सब कुछ पेशेंस नहीं है, सब कुछ अभी चाहिए। अभी हम करोड़पति बन जाएं, अभी हमारे पास लंबी गाड़ियां आ जाएं, अभी हमारी सेहत अच्छी हो जाए, हाइट बढ़ जाए, और उसके लिए फिर वो बच्चे सर्च करते हैं शॉर्टकट। और आजकल गूगल बाबा सबके पास है, यूट्यूब सबके पास है, सबको शॉर्टकट चाहिए। उसमें कहा कि इतना सा ये प्रोडक्ट खा लो तो आपकी बॉडी बन जाएगी, ये प्रोडक्ट लगा लो तो आप लंबे हो जाओगे, गोरे दिखने लग जाओगे, आपके बाल बढ़ जाएंगे, इतना हो जा रहा है। अब कच्चे मन होते हैं बच्चों के, बच्चे बड़ी झांसे में आ जाते हैं, उनको जैसा फंसाया जाता है वैसा होते हैं। तो सबसे ज्यादा नुकसान मीडिया का अगर किसी को हो रहा है तो वो बच्चों के कच्चे मन पे हो रहा है, बच्चों के कोमल मन के ऊपर हो रहा है, सही गाइडेंस में। और ये गाइडेंस मिल सकती है तो हमें पेरेंट्स से मिल सकती है। विजेता जी, हमारे कई दर्शक आपसे आपका फोन नंबर जानना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो उन्हें कृपया अपना फोन नंबर जरूर बताएं। मेरा फोन नंबर है 8816893478, कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय सोहना गुरुग्राम हरियाणा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, फोन नंबर 8816893478। डॉक्टर विजेता, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बच्चों को गाइडेंस उनके पेरेंट्स ही दे सकते हैं, और वो भी अच्छी से अच्छी गाइडेंस। उसके अलावा वो टीवी वगैरह देख करके कुछ इतना नहीं समझ पाएंगे, उनके ऊपर गलत ही असर होगा। डॉक्टर विजेता, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बन्ना जी, आपका बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।